हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो मैं रेडी हो गई और सुबह का समय है और 11 का टाइम हो रहा है आई थिंक। और ये पता नहीं बाल चिपक जाते हैं साड़ी पर, तो वही हटा रही थी। अब चलती हूँ मैं किचन में तो खाना बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और बच्चे गए हैं स्कूल तो ये सैटरडे का व्लॉग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल परिनिया रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम है करीब, तो फ्रेंड्स 11:15 हो गई हैं और जस्ट अभी रेडी हुई हूँ मैं और अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में देखती हूँ फिर मैं क्या बनाती हूँ, और क्योंकि बच्चे आएंगे 12:30 तो तब तक खाना बन जाएगा एंड दोपहर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज सैटरडे था और मुझे शनिदेव मंदिर जाना होता है शाम को, तो फिर इसलिए मैंने साड़ी वेयर की है आज, तो साड़ी पहन लिया, थोड़ा मन भी था। और ये गर्मियों की टाइप की साड़ी है, बिल्कुल हल्की है ये कॉटन में, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। फ्रेंड्स पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और यहाँ पे कुकर रखा है, अभी मुझे बनाना है खाना, खाली कुकर है। और वैसे तो मैंने लौकी की सब्जी काट ली है और तो वही बनाऊँगी। और चलो तो स्टार्ट करती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स तो अब बन रहा है दोपहर का खाना, तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं आज लौकी और चने की दाल, और ये टमाटर प्याज डालकर बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तो इसको बना लेती हूँ। एंड ये लौकी की सब्जी और रोटी बनेंगी, और कुछ सुबह की वो बची हुई है स्टफिंग थी आलू की, तो ये सूखी आलू की सब्जी खा लेंगे। तो दोपहर का खाना यही है, तैयार कर लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स खाना बन गया है, ये लौकी की सब्जी है, तो चने की दाल डालकर बनाते तो खा लेते हैं बच्चे भी और हम लोग भी। तो ये दही जमाई थी, घर की दही जमी हुई है। और फ्रेंड्स ये व्लॉग उसी दिन का जो सैटरडे का ना, उसके बाद व्लॉग बनाया था मैंने, इससे पहले जो बच्चे स्कूल गए थे वो व्लॉग गया था ना, उसके बाद स्टार्ट कर दिया था व्लॉग, तो वही व्लॉग है ये। रोटियाँ तैयार हो गई फ्रेंड्स, खाना बनाकर आ गई और रोटी वगैरह सब कुछ बना दी मैंने, तो जस्ट अभी आकर बैठी हूँ मैं रूम में, तो लाइट ऑफ है रूम की। और फ्रेंड्स अब मैं व्लॉग जब स्टार्ट करूँगी, जब बच्चे आ जाएंगे, तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, तो लंच लगा लिया है मैंने, हस्बैंड कह रहे थे खाना ले आओ तो ले चलती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, और बच्चों के लिए अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है बच्चों के लिए, तो आएँगे अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं खाना खा लेती हूँ। गुड आफ्टरनून पन्नो, आ गई है आप। चलो तो ड्रेस उतारू है, अच्छा हुआ स्कूल। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, और मैंने परिनिया को दिखाया था क्योंकि ओजस हमारे स्कूल से आकर ड्रेस चेंज करके खाना खाने के बाद, तो वो होते ना मतलब बनियान वगैरह में बैठ जाते, तो वो थोड़ा शर्मा रहे थे, इसलिए मैंने परिनिया को दिखाया था। तो ये यहाँ होमवर्क कर रही हैं, और मैं यहाँ इनका देख रही थी किस किस चीज़ में काम है, और वो चीज़ें निकाल कर रख रही थी इनकी नोटबुक। तो ये होमवर्क कर लेते हैं एंड मैं थोड़ी देर ऐसे ही इनके साथ रहूँगी, इनका होमवर्क कंप्लीट कराऊँगी एंड उसके बाद इन्हें ट्यूशन जाना है। तो फ्रेंड्स इनका होमवर्क कंप्लीट करा देती हूँ, और कुछ नोटबुक्स में भी था एंड बुक में भी था, तो सभी निकाल कर रख रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड इवनिंग का टाइम है, अब बच्चों को जगा लेती हूँ, ट्यूशन जाना है इन्हें। तो वो जस्ट वो सो रहे हैं अभी, परिनिया उठ गई और वो अपने पापा के पास बैठी हैं उधर रूम में, और मैं यहाँ, और बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी एंड फिर शाम की जो भी खाना वगैरह की तैयारी करनी है, एंड मुझे शनिदेव मंदिर भी जाना है, तो मैं आप लोगों को भी लेकर चलूँगी। तो चलना आप लोग सेम साड़ी सेम बेडशीट, तो चलो फ्रेंड्स अभी मिलूँगी मैं आपसे। थोड़ी सी किचन वगैरह भी सही करनी है एंड ये देखो बोतल लंच बॉक्स यहीं रखे हैं बच्चों के अभी, तो ये सब भी रख कर आने हैं अभी मुझे। परिनिया बैठी अपने डैडी के पास, अब उनका फ़ोन देख रही है वो। चलो फिर मैं अभी मिलूँगी आपसे। शाम का वक्त हो गया है, 7 बज गए हैं, और मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ पहले, और फिर बाद में मुझे शनिदेव मंदिर जाना है। तो शनिदेव मंदिर के लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हो ये छोटी सी इस तरह से मैंने ले रखी है डिब्बी, इसमें ले लेती हूँ सरसों का तेल, और मैंने दीपक लेकर रख रखे हैं यहाँ पर, दीपक रखे हैं काफ़ी, तो दीपक कॉटन सब अलग रखती हूँ एंड वो ले लूँगी मैं। और पहले मैं घर की पूजा कर लेती हूँ अपनी, तो मैं पूजा कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स पूजा कर लेती हूँ और यहाँ एक बॉक्स सा रखा है प्लास्टिक का, तो उसमें सब चीज़ें रख लेती हूँ। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है हमारे रूम, घर में दो ही रूम हैं एंड इस वाले रूम में जिसमें पूजा कर रही हूँ इसमें मेरे हस्बैंड का सामान रखा है जो बिजनेस से रिलेटिव है सारा सामान। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं देखते हैं कब तक होती है, कभी तो घर वगैरह होगा ना हमारा बड़ा। तो फ्रेंड्स बस मैं पूजा कर लेती हूँ, छोटी जगह है तो छोटा सा मंदिर है मेरा, और बस सुबह शाम का दीपक तो ज़रूरी है ना जलाना। तो पर इनमें आ गई हैं यार रोती रोती, वो जसकी और इनकी लड़ाई हो गई थी इसलिए आई हैं। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई और पता नहीं क्या इसमें अटक जाते हैं बाल पीछे होके, इसलिए मैंने चोटी बांध ली थी और मैं उसमें तेल वगैरह कर लेती हूँ दीपक में, और दीपक वगैरह निकाल लेती हूँ। इसमें है, चलो मैं ही कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ सब चीज़ें रख ली है मैंने और अब कुछ देर बाद जाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स और सब हो गया, और ऐसा है हमारे ना घर के पास में पड़ता है शनिदेव मंदिर, और मेरा एक रीज़न है कि जैसे कि हर शनिवार को अपने दरवाजे के कोने पर जलाना चाहिए दीपक, अच्छा होता है, और निकालना चाहिए थोड़ा सा तेल। तो मेरा क्या है, मैं ऊपर रहती हूँ तो कभी तेल मांगने वाले जो आते हैं कभी कभी ऐसा है, मैं क्या ऊपर रहती हूँ तो तेल मांगने वाले आते हैं ना तो मुझे पता नहीं लग पाती, मैं अंदर रहती हूँ तो मुझे पता नहीं लग पाती, मतलब मेरे घर से निकल नहीं पाता तेल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहती कब आते हैं वो, कब चले जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पास के पास है तो मैं जला कर आ जाऊँ, तो इसलिए मैं दीपक जलाने जाती हूँ, बाकी कोई और मेन रीज़न नहीं है। और ये है कि घर के बाहर कोने पर जलाना चाहिए दीपक, और मैं ऊपर रहती हूँ तो मेरा घर का कोना, मतलब मैं ऊपर रहती तो ऊपर कैसे जलाऊँ, घर के अंदर नहीं जला सकते ना, बाहर जला सकते हैं, तो मैं घर के कोने पर नहीं जला सकती, तो इसलिए मैं जाती हूँ, बाकी कोई मेन रीज़न नहीं है। और हाँ नया साल से शुरुआत की थी मैंने, फर्स्ट जो नया साल था तो शनिवार से पड़ा था नया साल एंड तब से शुरुआत की थी, तो बस देखती हूँ। और ऐसा नहीं कंटिन्यू, कभी कभी मुझे ऐसा काम पड़ जाता है नहीं जा पाती मैं, तो कोई नहीं पास में है चली जाती हूँ टाइम निकाल कर, तो बस यही है। और शाम के खाने के भी देखती हूँ, बच्चों के लिए सोच रही हूँ दलिया बनाऊँ कि बच्चों का हल्का खाने का मन है तो दलिया बनाऊँगी शायद मैं, और वो बाद में देखूँगी, फिलहाल बाकी और काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह भी ऐसे रखे हैं। फ्रेंड चलते हैं शनिदेव मंदिर, और बच्चों का भी घूमना हो जाता है थोड़ा सा शाम को हमारा भी, तो वहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट फूड खा कर आएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करके आएंगे। और तो आ गए शनिदेव मंदिर, तो थोड़ी सी भीड़ थी तो फिर मैं मोबाइल बाहर ही देकर गई थी और अपने हस्बैंड को, वो बाहर ही खड़े थे। तो फ्रेंड्स आ गए अब यहाँ पर, हम मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पर आ गए हैं मोमोज चाउमीन खाने, बच्चों का मन था। तो ये काले आम चौराहा है तो वहाँ पर है एक स्टॉल लगाते हैं, उनकी दुकान है, तो वहाँ पर आए हैं मोमोज चाउमीन खाने, परनिया हैं ये, और ये टीका लग रहा है ब्लैक ब्लैक। तो मोमोज टेस्टी और फ्राई मोमोज ज़्यादातर खाते हैं हम लोग, तो बस इसको खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। ये रहा मेरा बेटा ओजस, तो ये खा रहे हैं तो चाउमीन मोमोज, तो एंजॉय करते हैं। एंड तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं लास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा, तो एंड फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार देना मेरे ब्लॉग को, शेयर करना प्लीज़, सपोर्ट बनाए रखना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड फिर मिलूँगी एंड बाय बाय। मैंने यहीं पर लास्ट कर दिया था ब्लॉग, और ये ओजस परनिया आगे बैठी हैं,